हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ डोमेन पे। और आज मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वीडियो का सीरीज है उसके ऊपर और एक वीडियो डालने वाला हूं। तो ये है आपका स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पूरी, जो सब कुछ जो कैलकुलेशन है वो सब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है कि मैं नोट्स दे दूंगा। तो आप लोग क्लिक करके मेरे पेट्रियन से वो जो नोट्स है वो आप लोग ले सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक जिस्ट दूंगा उसको कैसे अप्रोच करना है। दो केसेस हैं, दोनों केस को मैं एक एक करके उसका जिस्ट दूंगा और बताऊंगा कि उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। देन यू कैन गो थ्रू माय नोट्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे करना है। मैंने स्टेप वाइज करके रखा है। और उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को जो आपका कंफ्यूजन है उसको डिस्कस करता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक एक करके सब कुछ यहाँ पर करने चला गया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि छोटा छोटा कैलकुलेशन है, मुझे बार बार रब करना पड़ेगा बोर्ड को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका जो प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिकली इस फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हुआ तब हमारा जो है दो केस बनता है। केस वन, जहां पे बोला गया है कि आपका ए टू बाई ए वन इज नॉट इक्वल टू बी टू बाई बी वन। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिले इस फॉर्म में तो आप ए टू बाई ए वन और बी टू बाई बी वन निकाल लीजिए। अगर वो इक्वल नहीं आया तो आपका केस टू होगा, और अगर इक्वल आ गया देन दैट इज केस वन। ओके, सो इस तरह से ये दो केसों में डिवाइडेड है। मैं पहले केस वन को आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग केस टू में जाएंगे। फाइन, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपका ये रहा। हम लोग केस वन स्टडी करेंगे। केस वन में क्या था हमारे पास, ए टू बाई ए वन इज नॉट इक्वल टू बी टू बाई बी वन। यहां जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम लोग क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के। यहाँ पे एच और के जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है, जिनको हमको निकालना है। हम लोग एक तरीके से उसको निकालेंगे हमारे पर्पस के लिए। ओके, सो यहां से अगर मैं देखूं तो व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स इज नथिंग बट डी जेड। व्हाट इज डी वाई, डी वाई इज नथिंग बट डी डब्ल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या बनता है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस इक्वेशन तो आपका क्या बनेगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू ए वन z प्लस एच प्लस बी वन डब्ल्यू प्लस के प्लस प्लस सी वन होल डिवाइडेड बाय ए टू जेड प्लस एच प्लस बी टू डब्ल्यू प्लस के प्लस सी टू। If I rearrange the equation, तो आपका बनता है बी वन डब्ल्यू प्लस ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन होल डिवाइडेड बाय ए टू जेड प्लस बी टू डब्ल्यू प्लस ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू। अब क्या है कि एच और के हमको चूज करना है, तो वी विल चूज एच एंड के इन सच ए वे दैट ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। सो दीज टू आर लीनियर इक्वेशन इन एच एंड के। सो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर जो इलिमिनेशन मेथड है उससे सॉल्व करके आप लोग एच और के का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल के हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। जब हम इसको निकाल के इसमें बिठाएंगे तो ये दो हिस्सा जो है वो जीरो हो जाएगा। सो
the resulting equation will be this. So dw by dz is nothing but this, which is a homogeneous equation. ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये है आपका homogeneous differential equation. Okay. Now homogeneous differential equation होने के वजह से we can take the substitution. क्या था, y equal to vx था, तो यहाँ पे होगा w equal to vz. So उसको आप लोग substitute कर देंगे, then you can easily find the solution. अब यहाँ पे जो solution आएगा वो आएगा w equal to suppose phi of z के हिसाब से. Then you have to change that w आपका y minus k आएगा और जो z है वो x minus h आएगा. Okay? So ये जो example है उसमें वो solve किया हुआ है, आप लोग check कीजिए, चेक करके मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया. नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करके दे दूंगा. ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं हमारे केस टू की तरफ. सो केस टू का जो आपका कंडीशन है वो क्या था, ए टू बाई ए वन इज इक्वल टू बी टू बाई बी वन. सो अगर हम पकड़ ले इसका जो वैल्यू है वो k है, दिखाई नहीं देगा, ए टू बाई ए वन इक्वल टू बी टू बाई बी वन, इसका वैल्यू मान लेते हैं k है, तो ए टू इक्वल टू k ए वन और बी टू इक्वल टू k बी वन. तो ये जो आपका रिजल्टिंग इक्वेशन है ये आपका बन गया a1x b1y plus c1, और नीचे जो है आपका k a1x plus k b1y plus c2. ठीक है, सो जो इस केस में हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा ये आपको पहचान में कैसे आएगा, जो यहाँ का टर्म है यहाँ पे पकड़ लीजिए दो है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे इस दो का मल्टीपल होगा सेम नंबर ऑफ मल्टीपल यहाँ पे, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे अगर चार हुआ, यहाँ पे अगर तीन हुआ तो यहाँ पे छह होगा. ओके, तो इन अ प्रोपोर्शनल वे यू कैन से कि ऊपर का जो एक्स वाई का कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, जो प्रोपोर्शन में जो लिस्ट में आएगा जो कम है उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, अगर ज्यादा है वो भी लिया तो उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, तो दिस विल बी ए वन प्लस बी वन डी वाई बाई डी एक्स. ओके, so now what is dz by dx, dz by dx is nothing but a1 plus b1 dy by dx. क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, दो मैंने जो प्रूफ कराया है उसमें मैंने जस्ट उसको dy by dx को अलग से लिखा फिर उसको दिया. ये लोग मतलब ये चीज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर उस तरीके से जिस तरीके से मैंने लिखा उस तरीके से करने से मतलब समझ में आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो डिवाइड बाई डी एक्स इज दिस, आई कैन पुट इट टू हेयर, बट जब हम लोग पुट करेंगे तब इसमें इसका जो सब्स्टिट्यूशन है इसको बिठाएंगे, तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका जेड प्लस सी वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा के जेड प्लस सी टू. सो दिस इज नथिंग बट सम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड. ओके, सो आई कैन राइट डी जेड बाई f of z is equal to dx. This is kind of dz by dx equal to f of z means this is a separable equation. तो easily हम लोग इस तरह से इसको separate कर सकते हैं. Now if you integrate this, you will get the result. अब जो result आएगा वो आपका z में आएगा. So you need to transform, जहां जहां पे z है उसके जगह पे आप लोग a1x plus b1y बिठा सकते. तो ये रहा, ये था आपका एक्चुअली दो केस. आप लोग जो मैं प्रूफ डाल के दूंगा उसको आप लोग देखें, फिर उसका प्रॉब्लम्स को ट्राई करें,
उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पहले भी एक बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू केस वन एंड केस टू, आई विल एक्सप्लेन दैट। और मेरे प्रूफ में सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।